तीर्थ धाम आपके चरणों में। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम सतगुरु। जय गुरुदेव। स्वामी संघ लागो नाम भजन में। स्वामी संघ लागो नाम भजन में। काटी जाएंगे ते सतगुरु संग है नाम सारे। सतगुरु संग है नाम सारे। करो प्रेम तुम अंतर मन में। करो प्रेम तुम अंतर मन में। जप लो तो सतलो पधारे। जप लो तो सतलोक पधारे। सतगुरु स्वामी वेद बतायो। सतगुरु स्वामी वेद बतायो। नाम भजन तुम क्यों नहीं गायो। नाम भजन सतगुरु तुम को रहे चिताई। राम नाम का भजन है भाई। राम नाम का भजन है भाई। सतगुरु चरण शीश झुकाओ। सतगुरु चरण शीश झुकाओ। प्रेमियों, ये मृत लोक है। यहाँ हम सब अवतरित हुए हैं, मतलब जन्म लिया है, पैदा हुए हैं प्रभु की दया कृपा से। स्त्री हो पुरुष हो, सबकी सूरत जीवात्मा एक तरह की है। शरीर की बनावट अलग अलग है, बाकी सारी चीजें एक है। आँख कान नाक सब कुछ एक रसा है। केवल स्त्री पुरुष दो जात बनी है। तो ये मनुष्य चोला प्रभु ने
हमको तुमको किस लिए दिया? नाम भजन के लिए। तो नाम भजन के लिए कि हम प्रभु का भजन करेंगे, लेकिन उस चीज को भूल गए। तो संत महात्मा यही समझाते हैं कि आपने प्रभु से कौल करार किया है और अब आप भूल गए हो, तो सोच रहा कब कौल करार किया प्रभु से, कब क्या किया। वो जब नवजात शिशु था, माँ के गर्भ में था और उल्टा लटका हुआ था, उस समय प्रभु का दर्शन उसको होता था और वहाँ बड़ी ही दिक्कत परेशानी गर्भ में थी, तो वहाँ प्रभु से वो प्रार्थना करता था कि अब प्रभु दया करो, यही भांति सब तज भजन कर अब दिन राती, हमारे पर दया कर दो, हमको बाहर कर दो और हम दिनों रात भजन करेंगे। अब उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण बताने के लिए, समझाने के लिए ये बताया जाता है कि प्रेमियों, जब बच्चा पैदा होता है और उसके बाद में जब तक वो नवजात शिशु रहता है तो हंसता मुस्कुराता है बिना तुम्हारे हंसाए। वो हंसता भी है, मुस्कुराता भी है, रोता भी है और सोता भी है। उसके सामने टार्च लगा दो, उसकी आंख झपकेगी नहीं, मतलब आंख उसकी चिनमिनाएगी नहीं, और थाली बजाओ तो उसे आनंद आएगा और नहीं वो रोने लगेगा और मुट्ठी बांधे रहेगा। वो कॉल जो किया है उसने, करार जो किया है उसने, उसी कॉल करार की वो मुट्ठी बांधे रहता है कि हमने भगवान जी से वादा किया है। अब भगवान जी उसे दिखते नहीं, जब भगवान जी उसे दिखते नहीं तो रोना शुरू करता है। जब रोना शुरू करता है तो माँ बहने जो है थाली बजाती हैं, कुछ बजाती हैं, गुनगुना बजाती हैं, तो सुनता है। जब उसका शब्द नहीं मेल खाता तो फिर रोने लगता और सोता है, तो सोने में भी वो मुस्कुराता है, हंसता मुस्कुराता है और रोता भी है, चौंकता भी है। तो उसने जो कॉल करार किया है उसी के आधार पे अभी चल रहा है। जब वो 6-7 महीने का हो जाएगा तो खुशबू से सुन लेता, जान लेता है कि ये कौन है, किसने हमको लिया है। 6-7 महीने बाद उसकी पहचान होने लगती है। फिर धीरे 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 माया का आवरण चढ़ जाता है, ये फलाने हैं, ये धमाके हैं, ये हैं, ये वो हैं, और धीरे धीरे वो सब भूल जाता है। नाम संस्कार हो गया, मुंडन संस्कार हो गया, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ हो गया, पढ़ाई लिखाई हो गई, शादी ब्याह हो गया, अभी उसको पता ही नहीं चला, केवल राम राम है, कृष्ण भगवान है, देवी मैया है, ये है वो है, सत्संग से कोई मतलब ही नहीं रहा और ना नाम भजन से कोई मतलब रहा। सत्संग और नाम भजन हर एक इंसान के लिए जरूरी है। जो भी इंसान है, प्रेमी है, उसके लिए जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि नहीं तुमको कुछ मिलता है तो तुम्हारे यहाँ रामायण है तो उसके 4 पन्ने पलट करके नहा स्नान करके पढ़ लो और उसमें से जो समझ आए उसी को समझ लो और 10 मिनट के लिए जिस प्रभु से कॉल करार किया है उसी से बैठ करके जो है उसी का नाम भजन कर लो, उसी का कर लो। तो ऊपर में और मुंह से नहीं चिल्लाना है, अंदर मन में उस प्रभु का नाम लेना है। और जब सद्गुरु होता है तो सद्गुरु नाम भेद बताता है। जब सद्गुरु नाम भेद बता देता है तो सच्चाई से काम होने लगता है। जब सच्चाई से काम होने लगता है, थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे, सच्चाई से काम होने लगता है, अच्छाई से काम होने लगता है, तो गुरु को समर्पित होती है। उसकी समझ में आने लगता है कि गुरु महाराज ने जो कुछ बताया था वो हमारे शिव नेत्र से, तीसरे नेत्र से, ज्ञान चक्षु से दिखाई सुनाई पड़ रहा है। तो वो दिखाई सुनाई पड़ रहा है, हम उसको देख रहे हैं, वो अंदर में लोग समझते हैं कि शिव नेत्र तो शंकर भगवान के पास है, बाकी किसी के पास
है, पर शिव नेत्र प्रेमियों सबके पास, वो स्त्री पुरुष बाकी नहीं जिसके पास शिव नेत्र ना हो। अब शिव नेत्र खोलने वाला संत सदगुरु की जरूरत है। शिव नेत्र इस तरह से है, जब रात में आप सोते हो और सोने के बाद में आप देखते हो कि हम फला जगह गए हैं, उस माता रानी के यहाँ, उस भगवान जी के मंदिर में गए, उस नदी पे गए हैं, स्नान कर रहे हैं, सुबह उठे तो पता चला अरे आज बहुत बढ़िया सपना देखा था और खूब नहाया धोया, बड़ा आनंद था और भगवान जी के दर्शन भी हुए। तो ये दोनों आंखें बंद थी, तो तीसरी आंख कौन सी चीज जिससे तुमने देखा, वो जीव की ही आंख तो थी, तो इसलिए उसमें तीसरी आंख, एक आंख एक नाक एक कान उसके अंदर है और वही सूरत जीवात्मा है। सूरत जीवात्मा परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है और अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता, शरीर का नाश होता है, शरीर नाशवान है, जितनी दिन की आयु मिली है उतने दिन के लिए ये रहेगा। ये प्रभु राम का देश है, प्रभु राम के देश में रह रहे हैं तो राम नाम तो गाना ही पड़ेगा, उनका नाम तो लेना ही पड़ेगा। अगर सच्चे हिंदुत्व में है, सच्चे मनुष्य हैं, तो राम का भजन तो करना ही होगा। तो राम का भजन करने के लिए आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, जब आपको समय मिल जाए पलथी मार करके एकांतवास में आंख बंद करके बैठ जाओ, ढक करके आंखें और उस प्रभु का नाम अंदर मन में जपने लगो। वो प्रभु राम सुन रहा है, उनके यहां घंटे घड़ियाल शंखनाद जो हो रहा है वो भी तुम्हें सुनाई देगा और उनके दर्शन होंगे, जीते जी दर्शन हो जाएंगे। जब दर्शन होते रहेंगे अंत समय में तुम उन्हीं के देश को प्राप्त कर जाओगे। और जब संसद गुरु मिल गए तो तुम्हारी सतगति हो जाएगी, सच्चे देश में पहुंचोगे, कभी ना जीवन होगा ना मरण होगा, सब चीज सच्चाई की होगी, अच्छाई की होगी, सारा जीवन सच्चा हो जाएगा। सच्चाई क्या हो जाएगा, देखो प्रेमियों, एक बार की बात है, प्रभु राम लंकापुरी गए, लंकापुरी में विजय प्राप्त किया, विजय प्राप्त करके वापस आए फिर अयोध्या धाम। जब अयोध्या धाम आए तो यहाँ राज तिलक हुआ, राजा हो गए, अब राजकाज चलने लगा, तो जनकपुर से न्योता आया कि भाई शादी ब्याह तो सब कुछ हो गया, पहुनाई तो कर जाओ, जो खवई खवाते हैं कहा कम से कम वो तो कर जाओ कि कम से कम आना जाना तो हो जाए। तो जब निमंत्रण आया तो कहा भाई ठीक है अब चलना ही पड़ेगा। तो सबको बताया, हनुमान जी को भी बताया, तो हनुमान जी ने तमाम अपने साथियों से बता दिया, तो कहा हाँ तो हम भी ससुराल चलेंगे। वो कह रहे हम भी ससुराल चलेंगे, किसकी ससुराल चलोगे, अरे राम जी की ससुराल चलेंगे, और किसकी ससुराल चलेंगे, ससुराल तो चलवे ही करेंगे, हमने होता है तो जरूर चलेंगे। धीरे धीरे यहां से पहुनाई के लिए निकल पड़े। अब जब पहुनाई के लिए निकल पड़े और वहां पहुंचे और सारी संगत बैठी, खाने के लिए पंगत बैठ गई और वहां कटहल की सब्जी बनी थी, पूड़ी बनी हुई थी, नाना प्रकार के व्यंजन बने हुए थे। अब जब भोग लगाया गया, हरिहर बोला गया, तो हनुमान जी ने जो है पूड़ी का जो है टुकड़ा तोड़ा और उस पे रखा, कटहल के कोए पे कोया गया छिटक, वो ऊपर को उछल गया, कोया ऊपर को उछल गया, वह हनुमान जी लपक करके उसको पकड़ लिया। अब जब वो उनके बिरादरी के जो लोग, उन्होंने देखा कि हनुमान जी ऐसे पूंजा कर रहे हैं, लगे सब उछलने कूदने,
अब उनको क्या होश की ये भोजन है कि क्या है, सब उछल कूद रहे नीचे ऊपर। अरे रुक जाओ भाई रुक जाओ, मैंने सोचा किसी की थाली में गिर जाएगा तो उसकी थाली जूठी हो जाएगी, इसलिए मैंने क्या, ठहर जाओ। तो प्रेमियों ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि कोई बाबा बतावे कि आओ तुम्हारा हम सब कुछ तरन तार कर देते हैं, नहीं इस समय करोना है तो हम झाड़ फूंक देते हैं, तुम ठीक हो जाओगे 10,000 दे दो, कभी करोना हो भी नहीं करेगा, किसी चक्कर में मत फंसना। प्रेम का भूखा है भगवान, प्रेम से। और जो सच्चा संत होगा वो नाम बताएगा चिल्ला करके दूर से कि बैठ जाओ बच्चो, हम तुमको राम नाम का मंत्र बताते हैं और कोई दक्षिणा नहीं, तुम्हारी श्रद्धा है जो भी दे दो उससे अलग बात है, पर कोई दक्षिणा नहीं। ये राम नाम का मंत्र है, अपने घर में गृहस्थ में रहना, शाकाहारी रहना और सुबह शाम इस मंत्र को जपना। सुबह चारपाई से उठने के बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के 10 मिनट बैठ जाना और शाम को जब खा पी करके सोने जाओ तब तुम्हारे पास कोई काम नहीं, तब जप लेना। इससे सस्ता और सरल कुछ भी नहीं। तो सदगुरु यही समझाते और यही बताते हैं कि शाम को जपना और सुबह में जपना और बाकी 2400 घंटे अपना काम करते हैं, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है, उतने में ही तुम्हारा काम बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? एक घड़ी आधी में पुनियाद, गोस्वामी संगत साध की कटे कोट अपहरा। एक घड़ी 22.5 मिनट की होती है, उससे आधा आधी में पुनियाद, और उतनी देर भी तुम भगवान का भजन अगर प्रभु का भजन नहीं कर सके तो ये मानव जीवन बेकार है। ये जो आपने अपना शरीर ले रखा है ये बेकार है, किसी काम का नहीं है। बस खाना और सारे काम नित्य क्रिया के करना, जो आप कर रहे हो पशु पक्षी और लोग भी कर रहे हैं वही काम। आप मनुष्य हो पशु पक्षी हैं, काम तो एक ही सा हो रहा है, खाने कमाने का, तो तुम्हें उनमें फर्क ही क्या रहा? और फर्क तब बनेगा जब तुम सच्चे अच्छे काम को करो, ये दीनता और दयालुता आएगी तभी कुछ होगा। तो प्रेमियों राम नाम के भजन को तो गाना ही पड़ेगा, अगर राम नाम के भजन को नहीं गाओगे तो आपका काम बनेगा नहीं, बनेगा तभी जब राम नाम का भजन गाओगे। तो सब लोग राम नाम का भजन नित्य प्रति गाना। देखो जब जब इधर आते हैं तो आप लोगों को जो 2-4 लोग हो, अब तो लॉकडाउन लगा है 1500 की कोई भीड़ होगी नहीं, अब जैसे घर में आप 2-4 लोग हो तो बैठ गए घर वाले तो सुना दिया कि आपके कुछ पल्ले पड़ जाए, और वैसे प्रभु की दया है अब धीरे धीरे बीमारी चली ही जाएगी। तो प्रभु का भजन नित्य प्रति आप सब लोग करना और प्रभु में मन लगाना। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु रमन माधुन गाओ, सत्य गुरु रमन माधुन गाओ, बड़े सतगुरु राम नाम धुन गाओ।
साचे मन से कर